प्रणाम, कैसे हैं आप सब। मैं शांति स्वागत करती हूँ YouTube चैनल गांव की शांति में। तो आज हम परवल की मिठाई बनाने वाले हैं। मैंने पहली बार बनाए थे तो परवल थोड़े से गल गए थे क्योंकि मैंने उसमें बेकिंग सोडा का यूज किया था। तो हम विदाउट बेकिंग सोडा आज हम इसको बनाने वाले हैं क्योंकि परवल की मिठाई अरम्या की फेवरेट बन चुकी है। मैं भी खाती हूँ, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले इन परवल को धो के अच्छे तरीके से छील लेंगे, मतलब इसका छिलका निकाल लेंगे। तो सारे परवल को मैंने धो लिया है और धो के मैंने इसको छील लिया है। अब क्या करना है, यहाँ पे मैंने कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम मैं इसमें परवल डाल के एक उबाल तक, मतलब ये पानी ठंडा ही है, ठंडे में ही डालिए, गर्म पानी में मत डालिए, फिर वो खुद ही गर्म हो जाएगा। सारे परवल के बीज भी निकाल लिए हैं, बीज से चीरा लगा दिया है और देखिए क्या इस काम में मुझे सफलता मिलती है, जानने के लिए ब्लॉग को पूरा देखिएगा। और ये मिठाई आप रक्षाबंधन में जरूर बनाइएगा, एक ये रह गया है, क्योंकि हमारे यहाँ यूपी में जो है ना वो इस तरीके की परवल वाली मिठाई बहुत बनाई जाती है, हमारे पूर्वांचल में बहुत फेमस है। तो यहाँ पे एक परवल रह गया है तो ये फट गया, कोई नहीं, इसकी हम सब्जी बना लेंगे क्योंकि अभी मुझे आज रात का खाना भी बनाना है। तो ये तब तक उबल रहा है, उसमें दे दो। परवल की मिठाई मुझे किसने बनानी सिखाई है, तो मिलिए उस शख्स से। अच्छा लड्डू बनाना क्या सिखाओ, बताइए बताइए, आप सिखाओ नहीं कि ना मगदन होना में आर्टिकल ही बनाना क्या सिखाओ, गुलाब जामुन क्या सिखाओ, ससुर बताइए तेज का बोली। हाँ तो मुझे ना आपको लगेगा कि इनको कैसे आता है क्योंकि ये है चटोरे इंसान, बचपन में दुकान पे बैठ के सब लड्डू और गुलाब जामुन खाते थे। तो वो हलवाई के यहाँ देखे होंगे, तो जब मैं शादी करके आई उसके 2-3 साल के बाद मुझे कुछ बनाने, बहुत कुछ बनाने आता था। मैं शादी करके आई तो आपके कुल खाना बनाने ना आवे क्या, पराठा ना बना आवे, आलू का पराठा रोटी बनाए, बेइज्जती छोड़िए इनको करने दीजिए, बोल रहे हैं कि पराठा बनाने नहीं आता था। थोड़ी थोड़ी मिस्टेक होती थी, देखिए मैं छोटी सी थी और मेरे घर में दाल चावल रोटी सब्जी, दाल चावल रोटी सब्जी, और कोई त्योहार आना था तो मेरी आजी ही बना देती थी और कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि बहुत स्पेशल चीजें बनाओ। हाँ ये बात सच है कि मुझे मेरे फैमिली में, मतलब इनके अलावा भी मेरे सिस्टर भी, मैंने सीखा है वो बहुत अच्छा बनाती है, और मेरी दीदी तो बहुत 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 ज्यादा अच्छा बनाती है, तो उनसे सीखा है मैंने। तो चलिए मिठाई देखते हैं कहीं ज्यादा ना उबल जाए। तो एक उबाल यहाँ पे आ चुका है और हम परवल को निकाल लेंगे। इसका जो कच्चापन है वो निकल जाएगा पूरी तरीके से, तो हम इस परवल को निकाल देंगे। अगर ये ब्लॉग पसंद है तो प्लीज इस मिठाई को बनाइएगा, अगर ना तो इंस्टाग्राम पे टैग करिएगा, मैं आपको स्टोरी में पोस्ट करूंगी। अब क्या करना है, फिर से कढ़ाई को चढ़ा देना है चाशनी बनाने के लिए, लेकिन उससे पहले हमें होने देना है। ठंडा होने के बाद इसका पानी निथार देंगे, फिर हम चाशनी में इसको डाल के पकाएंगे। और यहाँ पे मैंने खोया भी तैयार कर लिया है चीनी डाल के, ये देखिए, तो ये थोड़ा सा टाइट, मतलब कि थोड़ा सा ये सख्त हो गया है, लेकिन ये ना भरने के में बहुत इजी रहेगा। ये देखिए नरम है, ये ऐसा नहीं है, ये इसके छोटे छोटे बॉल्स बना के हम परवल में भरेंगे, तो उसके लिए भी मैंने इसको तैयार कर लिया हुआ है। ये खोया था मेरे पास में, उसे मैंने चीनी थोड़ी सी हल्की सी और इलायची पाउडर डाला है। इसकी क्लिप मैं नहीं बना पाई क्योंकि थोड़ा सा मैं कुछ कर रही थी, तो इस तरीके से बॉल्स बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 इस तरीके से बॉल्स बना लेंगे। तब तक इसको ना हवा में थोड़ा सा ठंडा कर देते हैं, इसका पानी निथार दे। इस तरीके से परवल से सारा पानी हल्के हाथों से, एकदम हल्के हाथों से दबा के निकाल लेना है। देखिए यहाँ पर चाशनी के लिए मैंने डाल दिया है आधा कटोरा, आधा मतलब बड़े कटोरी से चीनी, और साथ में मैंने यहाँ पे डाल दिया है उसके आधा पानी। तो हम इसकी एक चाशनी बनाएंगे, गाढ़ी चाशनी। अब देखिए चाशनी हमारी बनने लगी है, तो हम इसमें अपने ये परवल डाल देंगे।
पकने के लिए। और इसको हम पकने देंगे चाशनी में 3 से 4 मिनट तक। तो यहाँ पे देखिए मैंने गैस बंद कर दिया है और हमारे जो परवल हैं वो अच्छे तरीके से चाशनी में पक चुके हैं। तो हम थोड़ी देर इसी में छोड़ देते हैं, ये पूरा सोख लेगा और ठंडा हो जाएगा, तब हम इसमें भरेंगे खोया। और इधर मैं सब्जी काट रही हूँ आलू और परवल की। और अभी रात हो गई है और रात के 9:30 लगभग होने वाले हैं। आप लोग बोलिए आप इतना लेट खाना बनाती हैं। नहीं, इतना लेट नहीं बनाती हूँ, लेकिन आज लेट हो चुका है क्योंकि मैं ऐसा कुछ सुबह में कुछ की भी नहीं हूँ ढंग का। लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, किसकी नज़र लग गई है मुझे, सच में मैं बिलीव तो नहीं करती हूँ बट मैं मान रही हूँ। अभी मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ अपनी ज़िंदगी में। ये फ़ोन का क्यों इतना धुंधला आ रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो ट्राई करती हूँ कि मिठाई बस एक बार बन जाए सक्सेसफुली, तब मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ और सबको खिला पाऊँ। तो वेट करिए, तब तक मैं सब्जी काट के झपटक से सब्जी छौंक दूँ। आटा भी मैंने लगा लिया हुआ है, तो रोटी बनाने में सब्जी बनाने में टाइम नहीं लगता, आधा घंटा मात्र लगता है। तो रोटी सब्जी बना के मिलती हूँ। तो चलिए अब फाइनली आ चुका है वो घड़ी जब मिठाई अरम्या खाने के लिए अरम्या के पापा रेडी हैं। तो हम इस तरीके से परवल लेंगे, इस बार नहीं गला है देख रही हो ना, और हम इसको इस तरीके से, ये देखिए बस इसमें ना अगर ऐड होता फूड कलर ग्रीन कलर का, क्योंकि वो मिठाई वाले भैया लोग डालते हैं, लेकिन मेरे पास था नहीं। और रात का इतना लेट में ये मिठाई बना रही हूँ क्योंकि कई दिनों से सोचते तो इसलिए हम एक एक इस तरीके से हम खोया चीनी और इस तरीके से भरते जाएंगे और ऐसे रखते जाएंगे। वो कर दो बेटा। तो यहाँ पे देखिए बन चुकी है परवल की मिठाई, एक भी परवल टूटे नहीं है। इसमें आप चांदी का वर्क डाल दीजिए, इसमें फूड कलर डाल दीजिए, ग्रीन हो जाएगा और यही मिठाई मिलती है। और इसमें प्योर मैंने खोया ही भरा है यही मिठाई। इसको फ्रिज में रखते हैं, मिलती है 600 रुपए किलो। अगर 600 रुपए किलो भी मैं ले आई थी तो अरम्या के पापा सो गए हैं तो मैं खाना बना के ही जगाऊंगी, उसी टाइम उनको मिठाई भी दे दूंगी। तो मैंने फ्रिज में रख दिया है, थोड़ा सा वो सेट हो जाएगा अच्छे से। और यहाँ पे सब्जी मैंने छौंक दी है, ये बर्तन मैंने धुल के रखे हैं और आटा मैंने सान के रख लिया है। तो सब्जी हो जाए एक बार, तो रोटी सेक लेती हूँ। देखिए ये जी मिठाई टेस्ट कर ली। अरे नहीं जना परवर होगा, कम परवर होगा ना, परवर का टेस्ट आता है गलो नहीं खे ना, एक बार एक दो छिलका नहीं खे। छिलका नहीं क्यों बनती है आज तक ही रहते हैं जानते हैं कि नजरे कब से ये सबसे बड़े वाले परवल पे थी, कब से बिचारी सोच रही थी मम्मी का ब्लॉग खत्म हो अब मम्मी जल्दी से मैं ये मिठाई खा लूं। सही बात है कि नहीं अरम्या? बात तो सही है, खा के बता बेटा जल्दी थोड़ा तो बता। नहीं खाओ खाओ काटो काटो। दांत अरम्या का थोड़ा कमजोर है बचपन से ही, शानदार है अच्छा है। जा बेटा शुरू हो जा। यहाँ पे देखिए खाना भी लग चुका है, आलू और परवल की सब्जी और रोटी और दूध रोटी। दूध रोटी ले आते नहीं, लड़ी मत हमारे से, लंका गई कम से कम मतलब कि 8 से 9 महीना हो गए, लंका का चट्टी देख ले। ओ सॉरी। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? मेरे घर में लड़ाई हो रही है, सुबह सुबह डांट रहे हैं। लड़ाई क्या हो रही है, डांट तो खाली सिर्फ औरतें खाती हैं, पुरुष सिर्फ डांटते हैं। तो अभी हो गया सुबह का समय और कल रात को क्या हुआ है, एक तो पंखा चल रहा होगा तो आवाज़ थोड़ी सी गूंजेगी, लेकिन मैं भी चिल्ला चिल्ला के बोलूँगी। जो फतिंगी होती है ना जो बारिश में रात को निकलती है, मेरे डबल चिन देखिए
क्या जिंदगी, एक ही बार उठा ही ले जाते भगवान। हाँ तो ये जो फतिंगी होती है ना, जो रात को निकलती है बारिश होने पे, वो 1 करोड़ निकली होंगी। इतनी ज्यादा निकली थी, पूरे बाथरूम में हर जगह, पता नहीं कैसे रूम में आ गई थी। और वो मर गई हैं, मतलब वो मर ही जाती हैं एक दिन। उनके पंख सारे पूरे घर में ना पंख पंख हुए हैं, इतना चलने में भी इतना अजीब लग रहा है ना, मैं क्या बताऊँ। तो आज का मेरा टास्क है सुबह सुबह पूरे घर में झाड़ू और पोछा, पूरा घर धोना है, पूरा बाथरूम, बाथरूम पे मतलब जो फर्श है जहाँ बर्तन धोते हैं आगे, मतलब हर जगह सिर्फ पंख ही पंख फतिंगियों के गिरे हुए हैं। तो ये जीवन है, जीवन में कई जीवन, इंसान को एक इंसान का जीवन पाने के लिए कई सारे जीवन लेने पड़ते हैं, उनका त्याग करना पड़ता है, तब जाके एक मनुष्य का जीवन मिलता है। और वो इसलिए मिलता है कि हम इसमें इतने अच्छे कर्म करें ताकि हमारा जो इसके बाद का जो जन्म हो वो अच्छे से, अच्छे योनियों में हो, अच्छे से निकल जाए। बट फिर भी मनुष्य भूल जाता है और फिर वही दूसरों को दुख देना, दूसरों को चोट पहुंचाना, दूसरों के मतलब दूसरों की बुराई, दूसरे का फायदा उठाना, दूसरों को रुलाना, इन्हीं सब चीज़ों में फिर बिता देता है। उसको फिर भूल जाता है कि उसने ना जाने कितने जन्म लिए होंगे, एज कितना लाख, कितना हजार, गर्भपुराण में कितना लिखल बा, 84,000 योनी पार करने के बाद एक मनुष्य भगवान, इसको नर्क लोक कहा गया, असली नर्क लोक पृथ्वी लोक को कहा गया है, जहाँ पे आप अपने कर्मों का हिसाब किताब करते हैं, जो आपने कर्म पिछले जन्म में किए हैं और आप जो आपको अगला जन्म मिलने वाला है सारा यहाँ बनाने के। कब्बे का चिड़ैया लुझल बड़ी सा, वो फतिंगियों को ना चिड़िया खा रही हैं। तो ये जीवन का सर्कल है जो चलता रहता है, चिड़ियों को कुछ और खाएगा, उनको कुछ और खाएगा, फतिंगी को छिपकली ने खाया, छिपकली को सांप खा जाएगा, इसी तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं। तो मैं बस इतना ही कह रही हूँ कि इसीलिए मनुष्य का जीवन मिलता है कि हम अपने कर्म को इतना अच्छा कर लें। ये नर्क लोक ही है एक तरीके से, जहाँ पे हम अपने कर्मों का हिसाब किताब पूरा करते हैं। तो इसीलिए ये छोटी सी प्यारी सी जिंदगी है। अच्छा पता है आपको, ये मत सोचिए कि अरे हम तो बड़े स्वस्थ हैं, चल रहे हैं, हमको कुछ नहीं हो सकता। कभी भी किसी को क्या हो सकता है, किसी को कुछ नहीं पता है। तो इसीलिए हमेशा आपका नाम सुनते ही ना लोगों के चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए, ऐसे लोगों का ना अच्छा फील होना चाहिए। तो इतने ही अच्छे कर्म करिए। मैं मानती हूँ कि कोई दूध का धुलाया नहीं है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, गलतियाँ सबसे होती हैं, चीज़ें सबसे बिगड़ती हैं, अच्छी चीज़ें बुरी सब में होती हैं, अच्छाई बुराई ऐसा नहीं है कि सिर्फ, लेकिन कोशिश करिए कि आपकी अच्छाइयाँ ज़्यादा हो आप में, उसको निखारने की कोशिश करिए। अब मैं सुबह उठ के महात्मा जैसे बन के आपको ज्ञान दे रही हूँ, कोई बात नहीं, बातें तो मैंने अच्छी ही बोली है जो मुझे समझ में आता है। बाकी आपको एक छोटा सा नज़ारा दिखा दूँ, देखिए ये सिर्फ पंख गिरे हैं, सिर्फ पंख गिरे हैं और सब सफाई करना है। इसीलिए मुझे लगा कि मुझे एक कप पहले चाय पीना चाहिए, और चाय इतनी अच्छी बनी है ना कि कुछ लोग ना मेरे से जलने लगते हैं चाय को देख के, जैसे कि आप लोग देख लीजिए, एक लोग तो सामने ही बैठे हैं जो मेरे चाय को, चाय बनाने को, चाय अच्छा नहीं क्या बना, सच बताए ना तो फिर ना बनाई धमकी से कन्या। तो इन्होंने तो क्रेडिट भी ले लिया कल रात को कि खाना बनाना ये इन्होंने ही सिखाया है, पराठे नहीं मुझे बनाने आते थे, पराठे बनाने आते थे, बट वो क्या है, कितना ही आप अच्छा कर लीजिए, पति लोग दो आपके नहीं होती कि आप लोग घर में मम्मी लोग कमी निकाल देंगी, सास हैं घर में, फैमिली मेंबर है, कोई ना कोई थोड़ा बहुत ताकि वो सीखे। तो मेरे हस्बैंड ने मेरी सारी कमियाँ पूरी की हैं, मुझे कभी फील नहीं होने दिए ताना मारने से लेके, चीज़ें बताने से लेके, क्या बोलते उगटा पोचोल कैला से लेके, और सास की तरह सब है भी है, हर 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 एक जिम्मेदारी निभाई है, हर एक, कोई ऐसा जिम्मेदारी नहीं है जो छोड़ दिए हैं। तो चलिए चलते हैं, आज मैं नेल पेंट जरूर लगाऊंगी, मेरे नाखून बहुत गंदे लग रहे हैं। और शांति की लाइफस्टाइल पे इतने दिन से बोल रही हूँ, आज ये डालूंगी वो डालूंगी, ये तैयार होंगी वो करूंगी, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं अलहदी अस्कती अस्कत की मोटरी हो चुकी हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। बट बहुत हुआ, आज मैं वीडियो शूट करने की पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि जिस एनर्जी के साथ मैं उठी हूँ मुझे नहीं लग रहा कि मैं कुछ कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी मिलते हैं कल, तब तक के लिए ख्याल रखिए।